नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात के रसूलाबाद में स्थित सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह उर्फ प्रीतु सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आगामी 24 नवंबर को जनपद में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ट्रैक्टर रैली समाप्त होने के पश्चात जिले में ही विशाल जनसभा होगी, जिसमें जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी व नेता मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सच्चे किसान भाजपा के साथ हैं और प्रदेश व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट हैं। बैठक में प्रमुख रूप से सेक्टर अध्यक्ष तार बाबू, अनु सिंह, टिल्लू तिवारी, शिव प्रताप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 24 नवंबर को कानपुर देहात में ट्रैक्टर रैली और एक जनसभा की जाएगी, जिसमें जो वास्तविक हमारा किसान है उस ट्रैक्टर रैली में भाग लेगा और किसानों के लिए एक जनसभा भी होगी। उसमें किसानों के लिए जो हम लोगों ने काम किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के हित में काम किए, उन योजनाओं का बताने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग एक ट्रैक्टर रैली भी 24 तारीख को करेंगे। 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी? हम 2022 के चुनाव में हमने जो विकास कार्य किए उन्हीं विकास कार्यों को लेके हम आएंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटें ला रही है? 300 पार आएगी। ये रैली किस जगह पे होगी और जो रूट है? ये जिला मुख्यालय पर होना है और इसका जो रूट रहेगा वो 4 किलोमीटर का रहेगा। कहाँ से शुरुआत होगी इसकी? जिला मुख्यालय में, मुख्यालय से शुरू होगा और मुख्यालय में ही 4 किलोमीटर के अंतर में हम लोग इस रैली को समाप्त कर देंगे। खाद को किल्लत लेकर समितियों पर खाद नहीं मिले, ब्लैक बेची जा रही है। हमने DM साहब से और उच्च अधिकारियों से बात की थी। कानपुर देहात में एक समस्या है कि हमारा कोई कानपुर देहात में डीलर नहीं है, कानपुर नगर के सारे डीलर हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या आती है। बाकी हम लोगों के जितना संभव हो रहा सभी समितियों पे, सभी सरकारी दुकानें जितनी भी हैं खाद बेचने वाली, हर जगह हम लोग अधिकारियों के साथ जा रहे हैं और जो संभव मदद हो सक रही है सारा मदद करने का काम हम लोग किसानों कर रहे हैं।